हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे घर पे। और आज क्या है? आज है रक्षाबंधन। तो चलिए जान लेते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। अन्नमासी की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने अपने भाई हुमायूं को रक्षा सूत्र बांध के उनके लंबी आयु की प्रार्थना की थी। तब से पूरे भारत में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के अगाध प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। भाई बहन के अगाध प्रेम का पर्व है रक्षाबंधन। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर और उसे तिलक लगाकर उसकी दीर्घायु, दीर्घायु मीन्स होता है लंबी आयु की, बहुत लॉन्ग लाइफ की कामना करती है कि हमारा भैया बहुत लंबी आयु तक जिए। और भाई भी अपनी बहन की रक्षा हेतु, रक्षा करने के लिए उस दिन प्रण करता है कि हम अपनी बहन पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। इस दिन का भाई बहन को बहुत ही बेसब्री से इंतजार होता है। हेलो एवरीवन, टुडे वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल रक्षाबंधन। एंड दिस फेस्टिवल विच सेलिब्रेट द बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर। सिमिलरली, डज नॉट मैटर इफ यू आर अ किड और एन एडल्ट, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ ऑल एज सेलिब्रेट द रक्षाबंधन। एंड यू नो, फर्दर मोर इट स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन देम एज वेल। रक्षा ट्रांसलेट टू द प्रोटेक्शन एंड बंधन ट्रांसलेट टू बॉन्ड। एंड हाउ एवर द पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज वेरी वेरी यूनिक। लेट्स सी। नो मैटर हाउ मच दे फाइट विथ वन अनदर, दे ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड देम इन सपोर्ट। दे शेयर अ बॉन्ड विच इज फुल ऑफ टीजिंग एंड लव। The elder brothers are very protective of their sisters, and similarly, elder sister care a lot for the younger brothers. The sister tie a rakhi on their brother's wrist. It is done so with the intent to wish good health and long life. On the other hand, the brother in turn bless the sisters and pledge to protect them and care for them all their lives. And the sister receive a lots of love and gifts from their brothers, and they enjoy a lot. इस संकट काल की स्थिति में जो कोरोना का संकट चल रहा है, इसमें भी इंतजार तो है ही, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जब हम अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने लगे तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करें और मुंह पे मास्क लगा के रक्षा सूत्र बांधें। अच्छी बात ये है कि इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में भी हम बहने अपने भाइयों की कलाई सजाने में बिल्कुल भी हम लोगों का उत्साह कम नहीं है। और कम भी क्यों रहे, वो हमारे राजा भैया हैं। भाई की कलाई, भाई हमारा रक्षा करने के लिए इतना वचन लेता है तो हम अपने भाई की कलाई सजाने में क्यों पीछे रहे। कोई भी महामारी हम अपने भाई बहनों का प्यार कम नहीं कर सकती है। तो आइए अपने प्यारे भैया के लिए एक दो लाइन पेश करते हैं, आप लोग भी गाइएगा। कितना अच्छा, कितना प्यारा भाई बहन का नाता है, इस नाते को याद दिलाने रक्षाबंधन आता है। हैप्पी रक्षाबंधन। Nowadays, due to coronavirus, mostly we are celebrating digital रक्षाबंधन, but we should not forget them who are currently protecting us. Yes, they are our doctors, soldiers, our police, sweeper and many more. Thank you to such a people who are thinking for the nation first. And as it is said that all Indians are my brothers and sisters, we should always respect them, and even we should tie Rakhi specially this time to God for their protection. And yes, together we do pray to God to protect all of us from this COVID-19. Thank you.